नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए तमाम तरह के अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है, जिसका पालन जवा जनपद पंचायत के प्रभारी सीईओ को इसका तनिक भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वो भी कैसे, अंधे के हाथ बटेर लगने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मनरेगा प्रभारी को जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी का जो प्रभार रहमो करम पर प्राप्त हुआ है, मामला तो तब चौंकाने वाला सामने आया जब जवा जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक के समय प्रभारी गुप्तगू करने के हिसाब से बैठक में उपस्थित रहे और बैठक में ऐसी कौन सी बात रखी जानी थी जो जनता तक न पहुंच सके। एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि बैठक में मीडिया के लोग न मौजूद रहे। जवा जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है, खास तौर पर मनरेगा में, जिसके प्रभारी स्वयं नागेंद्र सिंह है, लेकिन भ्रष्टाचार पर कभी कोई कार्यवाही नहीं होती है। शायद अपने आप को उच्चाधिकारियों से बड़े हो, मीडिया को बैठक में न बैठने का आदेश कुछ और इशारा करता है कि अकेले बैठक क्यों, जिसकी जांच आवश्यक है। जांच कौन करेगा, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन एक अकेला सब पर भारी है। भ्रष्टाचार चरम पर, अधिकारी शरम पर, आखिरकार ऐसे अधिकारी को किसका संरक्षण प्राप्त है जो मनमानी तरीके से कार्य को अंजाम दे रहे। सूत्र यह भी कहते हैं कि सब जगह गोलमाल है। आपकी खबर, हमारी नज़र, हमारे संवाददाता दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट।